और अभी हम लोग जा रहे हैं इबीज होटल, वहाँ जाके अपने गिफ्ट जो है उसको कलेक्ट करेंगे। वो कहते हैं ना, जब गीदड़ की मौत आती है वो शहर की तरफ आ जाता है। गाइस ये सब फ्रॉड कर रहे हैं लोग। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है, क्योंकि आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ एक ऐसा एक्सपीरियंस जो कि हमारे साथ तो हो चुका है, मे बी वो आप लोगों के साथ भी कल को हो सकता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले, अगर मेरे चैनल पर आप लोग नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में दिया ये जो घंटी का बटन है ना, इसको ज़रूर दबा दिया करें, क्योंकि अगर आप ये घंटी का बटन दबाएंगे ना तो नए आने वाली वीडियोज़ जो है वो आप तक पहुँचती रहेंगी। तो चलें वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, हुआ कुछ यूँ, कुछ दिन पहले मैं अपनी फैमिली के साथ मॉल में गया, वहाँ पे एक शख्स खड़ा होकर हम लोग को एक वाउचर्स दे रहा था। वो बोल रहा था कि इसको फिलअप करें, हम लोग का कुरानदाजी में कोई नाम आ सकता है। तो मैंने अपने साथ साथ उमेर का भी एक वाउचर लेके फिलअप किया और वहाँ पे सबमिट करा दिया। तो माशाल्लाह से मेरा तो लग काम नहीं किया, लेकिन उमेर का एकदम से दो दिन बाद कॉल आती है और वो लोग बोलते हैं कि मुबारक हो, आपका कुरानदाजी में नाम आया था और आप विन कर गए, और आपको एक गिफ्ट मिलता है हमारी तरफ से और एक वाउचर मिलता है इंटरनेशनल राउंड ट्रिप का, मतलब कहीं आप बाहर जा सकते हैं। तो उमेर मुझे कॉल करके बोलता है, जो आपने वाउचर फिल किया था आपका तो नाम नहीं आया, लेकिन मेरा ज़रूर आ गया। और इसके साथ साथ उमेर ने बताया कि उसे एक होटल की लोकेशन सेंड की है उन लोगों ने, और बोला है कि कम से कम एक घंटा निकाल के आप लोग अपनी फैमिली के साथ आइएगा, क्योंकि हम अपनी कंपनी के बारे में भी आपको कुछ डिस्क्राइब करेंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और चल के देखते हैं वहाँ पे हमारे साथ क्या हुआ, हमारे साथ रहिए। और अभी हम लोग जा रहे हैं इबीज होटल, वहाँ जाके अपने गिफ्ट जो है उसको कलेक्ट करेंगे, देखते हैं वहाँ जाके क्या गिफ्ट उसको मिले। बड़ा लकी आदमी निकला यार ये तो, लिखा मैंने उसका जबकि वो साथ गया भी नहीं था और गिफ्ट फिर भी उसको मिल गए। मौसम बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार हो रहा है, ठीक है तो चलते हैं बाहर और जाके उमेर को पिक करते हैं, तो हमारे साथ रहिए। तो दोस्तों, घर से निकल चुके हैं, गाड़ी में बैठे लेंगे, चलें भाई वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, हमारे साथ रहिए। गाइस तो अभी बाहर बहुत ही हसीन मौसम हो रहा है, मीटिंग कर रही है, आगे में अच्छे लग रहे हैं। मैं अल्लाह का शुक्र हुई अच्छा भाई। ये शर्ट ना मैंने प्रेस की थी, मैंने अभी किसने की लास्ट टाइम? तुमने जो प्रेस की थी ना वो दिल से नहीं हुई थी, इसलिए खराब हो गई। तो वो लड़की लड़की आप लोगों ने सही हैंगी की थी। फ्रिज नहीं और माइक्रोवेव की नहीं है। आर यू एक्साइटेड? क्या निकलने वाला है तुम्हारा? हमें क्या भी नहीं था, फिर भी मैं केवल अब मुझे लगता है इनका गिफ्ट क्या होगा उमेर का? एक वाउचर होगा, उसमें लिखा होगा। पहली बात तो तेरी लक है भाई, मैं गया भी नहीं हूं। सोचिए हम वहां पे जाए भाई, सोचिए गाइस हम वहां पे जाए और उधर लिखे एक पर्ची मिले उमेर को, उस पे लिखा गुड लक नेक्स्ट टाइम, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। भाई फोर स्टार होटल है, जरा आप सारे एहतियात करना, बड़े डिसेंट होके अंदर जाना, ठीक है? अब ये लोग फॉर्म फिल कर रहे हैं अंदर जाने के लिए, पेपर दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है यहाँ पे एग्जाम देने के लिए आए। तो दोस्तों, अभी आप लोग सोच रहे होंगे वीडियो शुरू भी नहीं हुई थी और अचानक से मैं आ गया, आखिर वहाँ पे हुआ क्या, तो ये आपको मैं तफसील से अभी बताता हूँ। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हमारी पूरी फैमिली रेडी होके आईबीज होटल में पहुँचे हम लोग, तो वहाँ पे उन लोगों ने एक हमें फॉर्म दिया जिसको हमने फिलअप किया, और कुछ ही देर बाद हमें अंदर बुला लिया गया। तो वहाँ पर जो उनका सेल्स असिस्टेंट था वो वेल ट्रेंड था, उसने हमें 45 मिनट्स का बोल के दो घंटे अपना मंजन बेचा। तो उसने हमसे स्टार्ट कैसे लिया, सलाम दुआ करने के बाद उसने हमसे क्वेश्चन आंसर शुरू कर दिया कि आप लोग क्या करते हैं, आप लोग का बिज़नेस क्या है, इससे पहले कहाँ कहाँ ट्रैवल किया आप लोगों ने, फिर उसके बाद हमारी हॉबीज़ क्या हैं। जैसे कि आप लोग को पता है कि हॉबीज़, हर एक की हॉबीज़ में जो ट्रैवलिंग है वो रहती ही है, हर किसी को घूमने फिरने का और ट्रैवल करने का शौक़ होता है। तो उन्होंने वहाँ से हम लोग को पकड़ा कि ठीक है आप किधर किधर गए, कौन कौन से मुल्क को विज़िट किया है, फैमिली के साथ गए, बैचलर्स में गए, या ऐसा सब, मतलब उन लोगों ने पूछना शुरू किया कितना आप लोग का ख़र्चा आता था। ये सब बातें करते करते कहानी यहाँ तक पहुँच गई कि इन लोगों ने बोला कि हमारे पास एक ऐसा पैकेज है जो कि आज हम आपको देंगे, और ये आज की सिर्फ ऑफ़र है, ठीक है? तो इस पैकेज के बाद आपने सिर्फ हमें येस और नो करना है कि आपको ये पैकेज चाहिए कि नहीं। तो सबसे पहले इन्होंने फैसिलिटीज़ बताना शुरू की, इन्होंने बोला कि आप वर्ल्ड वाइड किसी भी जगह पर अगर जाते हैं तो हमारी कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी 5 स्टार्स होटल, जो कि फेमस क्राउन प्लाजा हो गया, शेरेटन हो गया, जैसे कि रेडिसन ब्लू वगैरह, ये जितने भी XYZ बड़े बड़े 5 स्टार्स होटल हैं, तो वहाँ पर आपको हमारी कंपनी की तरफ से फ्री वहां पे आप रह सकते हैं। और इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन आपको फ्री होगी, एयरपोर्ट से आपको पिक करेंगे, इवन जिधर जिधर आपने घूमना होगा हम लोग की कंपनी की तरफ से फ्री होगा ये। और इसके अलावा हमारा एक गाइड आपके साथ रहेगा, जिधर भी आप लोग जाएंगे वो भी बिल्कुल हमारी कंपनी की तरफ से प्रोवाइड होगा। और इसके अलावा जिधर भी आप राइड लेंगे, इवन कि आप किसी ऐसी जगह पे जाते हैं जो कि जस्ट लाइक डिज्नीलैंड हो गया, और इसके अलावा जैसे दुबई में जाते हैं वाइल्ड वादी वगैरह, तो इन सब के चार्जेस भी जो हैं वो ये लोग ही पे करेंगे, इट्स ऑल
इंक्लूडेड इन दिस पैकेज। उसके बाद फिर उन्हें एक्टिंग करते करते इनका जो सेल्स असिस्टेंट था वो अपने मैनेजर को बुला के लेके आता है, फिर वो हमारे साथ बैठता है कुछ हिसाब किताब करके एंड ऑफ द टाइम वो हम लोग को 2000 रियाल का एक पैकेज देता है, बोलता है ये 5 साल तक वैलिड है या आप ले लें। तो 2000 का मतलब है पाकिस्तानी ऑलमोस्ट 12 लाख रुपये, इंडिया के 6 लाख 6.5 लाख ऐसे। तो आप खुद बताएं कि अचानक से आप किसी को रैंडमली बुला रहे हैं और पहले आप कॉल करके बोलते हैं कि जी आपका एक गिफ्ट निकला है, ये फला फला वाउचर निकला है, और वहाँ जाके आप फैमिली को बुलाते हैं। और फैमिली को ये लोग क्यों बुलाते हैं, इसके पीछे भी एक राज है। जैसे कि मैं अपनी बीवी के साथ वहाँ पर गया हूं और ये लोग अपना पैकेज जब मुतारफ़ कराना शुरू करते हैं, इनकी बड़ी एक बटरिंग लगाने वाली लैंग्वेज है जी, अच्छा जी आप बड़ी ये लगती हैं, मतलब आपको इस चीज़ का शौक होगा। और जैसा कि बच्चों से बात करते करते बोलता है कि डिज्नीलैंड बेटा देखा है फलानी फलानी जगह, तो वहाँ पे आप लोग को राइड्स फ्री हैं फलाना फलाना, मतलब एक प्रॉपर फैमिली को ये लोग घेरते हैं, ताकि अगर मेरा माइंड नहीं बनता तो फैमिली मुझे इंसिस्ट करें कि आप ये पैकेज ले लें। एनीवेज हम लोग वहाँ पर बगैर पैसों के गए थे, ऑब्वियसली हम लोग खाली अपना गिफ्ट कलेक्ट करने के लिए गए थे। तो जब हमने ये अमाउंट देखे, एक दूसरे की शक्ल देखने लगे, हमने बोला यार ये क्या, हमने बोला सॉरी हम लोग ऐसे किसी प्लान से नहीं आए थे, ना तो पैसे लेके आए थे। तो बोलता है हमारा जो एजेंट है वो आपके साथ जाएगा घर से जाके, उसके पास मशीन भी है, अगर आपने कार्ड से स्वैप करना है कार्ड से हो जाएगा, और अगर आपने कैश देना है तो कैश। मैंने कहा भाई इतनी अमाउंट है ही नहीं मेरे पास। तो बोलता है ठीक है आप ऐसा करें इंस्टॉलमेंट करवा लें हम लोगों से, जैसे कि आप कुछ अमाउंट दे दें 200 रियाल ऐसे करके। फिर एंड में बोलता है 50 रियाल पे कर दें फिलहाल आप। फिर वो एक फ़ाइल लेके आया, उस फाइल के अंदर मुझे बोलता है देखें आज इतने लोगों ने हम लोगों से ये पैकेज लिया है। जब मेरी उस फाइल पर नज़र पड़ी तो उसके अंदर किसी ने 500 दिया हुआ था, किसी ने 1000 दिया हुआ था, बहुत सारे लोग होते हैं जो इन बातों पे आ जाते हैं। तो उस रिसिप्ट के ऊपर इन लोगों ने एक स्टैंप लगाई हुई थी जिसके ऊपर लिखा होता नॉन रिफंडेबल। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं, सोचें अगर मैंने वो पैकेज ले लिया होता, मैं 500 रियाल 200 रियाल एक्स वाई जो भी अमाउंट में उन लोग को पे कर देता, उसके बाद अचानक से मेरे दिल में आता है कि यार मैंने तो जाना ही नहीं था उस जगह पे, ये तो इन लोगों ने सिर्फ ब्रेन वॉश करके मुझे एकदम से इंसिस्ट करके ये पैकेज दिलवा दिया। तो मैं वो 500 रियाल या 200 रियाल जो भी मैंने उनको अमाउंट पे किया था, जब मैं वापस लेने के लिए जाऊँगा सो दैट्स नॉन रिफंडेबल, तो मैं कैसे उनसे वो वापस लूँगा। तो वो सारा पैसा किधर गया, उन लोगों के पास। और मैंने वो सर्विसेज भी नहीं ली, क्योंकि जब आप इंस्टॉलमेंट का प्लान इन लोगों से लेते हैं ना तो बोलते हैं आप ये सर्विस को यूज़ नहीं कर सकते जब तक आप ये पूरी पेमेंट ना कर दें। जैसे 2000 की अगर बात हुई है तो 2000 पूरे हमें इनको पे करने हैं, फिर ही हम इस ऑफर को अवेल कर सकते हैं। तो एनीवेज हम लोगों ने जब उनको इनकार किया कि हमें ये पैकेज नहीं चाहिए और हमारा अभी कुछ ऐसा प्लान भी नहीं है, तो एकदम से उनका तो एटीट्यूड ही चेंज हो गया, जैसे कि मतलब ओके एकदम उठ गया, ओके इनका गिफ्ट दो ला के। तो जब हम लोगों ने वो गिफ्ट देखा, आप यकीन करेंगे ऐसा घटिया डिनर सेट के जितना मैंने पेट्रोल लगाया था, आई थिंक मेरा पेट्रोल ज़्यादा लग गया था वहाँ जाते जाते, एक बहुत ही ज़्यादा चीप किस्म का डिनर सेट इन लोगों ने हमें हाथ में थमाया और एक वाउचर दे दिया। और वो बोलते हैं कि ये वाउचर सिर्फ मलेशिया और कुछ ऐसी एक दो जगहों में यूज़ होगा, वो भी सिर्फ अकोमोडेशन अगर आप हमसे पैकेज लेते हैं। तो ये सब होने के बाद हमने सोचा कि ये व्लॉग डालना आई थिंक इतना मुनासिब नहीं है, और अजीब सा व्लॉग था क्योंकि सोचा क्या था और हुआ क्या वहाँ पे। लेकिन बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती, वो कहते हैं ना जब गीदड़ की मौत आती है वो शहर की तरफ आ जाता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये वीडियो मैंने क्यों बनाई और फिर आगे हुआ क्या। तो जैसा कि आप लोग को मैंने स्टार्टिंग में बताया कि मैंने 2 कूपन फिल किए थे, एक अपना और एक उमेर का। तो पहले उमेर का नाम आया, ठीक 2 दिन बाद मुझे कॉल आती है और मुझे भी वो सेम चीज़ें, सेम जो उमेर को बोला था वो सब कुछ मुझे भी बोलते हैं। आइए सबसे पहले मैं आपको इनकी रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ, ये रिकॉर्डिंग में बोलते क्या हैं, क्योंकि मुझे जब कॉल आई तो मैंने फटाफट से अपनी रिकॉर्डिंग ऑन की ताकि मैं आप लोगों को अब सुना सकूं, और फिर मैं इनके पीछे बढ़ गया कि अब मैं इनकी तह तक जाऊंगा और एक बार जाके इनकी सही वाली मरम्मत करूंगा। और अब मैं इसलिए ये वीडियो बना रहा हूं ताकि ये मैसेज आप तक पहुंचे। लेकिन ये वीडियो आप लोगों ने आखिर तक ज़रूर देखनी है बगैर स्किप किए, क्योंकि इस वीडियो में सिर्फ आप लोग की वजह से मैंने ये स्टेप लिया और उम्मीद करता हूं आप लोगों को इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलें सबसे पहले मैं आपको कॉल रिकॉर्डिंग सुनाता हूं कि इन लोगों ने किस तरह से मुझे कॉल करके अपनी तरफ बुलाया। जी सुन सकते हैं, मैं बोल रही थी कि आप और आपके फैमिली को कांग्रेचुलेशन क्योंकि आपका कूपन सिलेक्ट हो चुका है 2 फ्री गिफ्ट्स के लिए। ओके गिफ्ट के लिए सर, गिफ्ट है पहला वाला है डिनर सेट किचन आर्टिकल, ओके, और दूसरा है फैमिली हॉलीडे वाउचर। अभी फैमिली हॉलीडे वाउचर बोलेगी तो हमको तो यही लगेगा कि हम लोग एक फैमिली हॉलीडे वाउचर जीत गए, मतलब हमें कहीं लेके जा रहे हैं, जैसे सम टाइम आप कुछ हॉलीडे पैकेज जीत जाते हैं। चले सुने आगे, काइंड ऑफ फैमिली हॉलीडे वाउचर मैंने भी पूछा उनसे। वाउचर सर यू कैन यूज फॉर मलेशिया, बैंकॉक, फिलीपींस और श्रीलंका, एनी वन ऑफ द कंट्री फॉर 5 नाइट एंड 6 डे। मतलब ये लोग वही कहते हैं ना, दाना डालते हैं ताकि चिड़िया आए और हम लोग उसको जाल में फंसा लें। आपके वाइफ के साथ आना है क्योंकि हमें दोनों की सिग्नेचर चाहिए।
इनका सिर्फ आप लोग वो चेक करें, आपको आपकी वाइफ के साथ आना है, हमें दोनों का सिग्नेचर चाहिए, कोई सिग्नेचर नहीं चाहिए, सिर्फ ये घेर रहे हैं और फ्री है, मतलब बोल रही है कि आपको कुछ पे नहीं करना, इनका सिर्फ दिमाग चेक करें आप लोग। ओके जी। और हम लोग आपके 2-2.5 घंटे लेंगे। गुड, हम आपको डिटेल्स दे सकते हैं, लाइक कैसे करना है, क्या करना है, सब कुछ डिटेल्स दे सकते हैं। जी ठीक है, ठीक है सर, हम लोग 5 बजे इनवाइट करें, 5 बजे कन्वीनियंट होगा ना। ओके, नो प्रॉब्लम। अच्छा तो ये है, था क्या कुरान दासी थी, लकी ड्रॉ था, कुछ क्या था ये? नहीं नहीं नहीं, इट्स लाइक सर एक्चुअली हम प्रमोट कर रहे हैं हमारे कंपनी को, तो ऐसे में सारे कूपन शफल किए थे, तो 10 कूपन सिलेक्ट किया हमने, सिर्फ 10 कूपन सिलेक्ट किए, और जिस दिन मैं गया था उस दिन 15 लोग बैठे हुए थे वहाँ पे, मतलब एकदम बेवकूफ़ वाला सिलेक्ट किया। ओके, तो आपके कूपन भी ऐसे सिलेक्ट हो चुका था, एक्चुअली बस प्रमोशन है हमारा, कंपनी न्यू ओपन हुआ है ना, तो प्रमोट कर रहे। क्या नाम है आपकी कंपनी का? कंपनी का नाम मैं खुद आपको नहीं बता रहा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि किसी की कंपनी के बारे में बोलूं। एनीवेज मैंने उन लोगों से बात की और मैंने उनसे बोला कि ठीक है मैं अपनी फैमिली के साथ आप लोगों के पास ज़रूर आऊँगा, और अब मैंने प्लान कर लिया था कि एक बार सही जाके एक बार सारी आवाम जितनी भी बैठी हुई उनके सामने इनका जो है ना भांडा फोड़ूंगा। उसके बाद मैंने बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब में सर्च की वहाँ जाने से पहले, ताकि मैं 100% श्योर हो जाऊँ कि ये स्कैम है। तो मैंने जब देखा तो इस तरह की बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है यूट्यूब में, आप खुद भी सर्च कर सकते हैं। तो ये सब देखने के बाद मैं एकदम अपने ऊपर 100% श्योर हो गया था कि अब मैं इनके ऊपर का कोई एक्शन लूँगा तो अब ये लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और एक बार मैं आवाम जितनी भी बैठी हुई थी उनकी भी आँखें वहाँ पर खोलना चाहता था, और इन लोग को भी एक बार हिलाना चाहता था कि एक बार इनको पता चले कि ये लोग जो कर रहे हैं ये ठीक नहीं है। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने वहाँ पर जाकर किया क्या। दोस्तों आ गए एबीज़ होटल, ठीक है, जाके फिर से इनसे मुलाकात करते हैं और देखते हैं आज ये लोग क्या बोलते हैं। देखिए बहुत सारी फैमिली से पाकिस्तानी फैमिली देखे इन्होंने बुलाई हुई, ये भी अंदर से आ रहे हैं अभी, देखें इनसे थोड़ी सी बात करेंगे, थोड़ा पकड़ना कॉल, ये अंदर से आ रहे हैं आप लोग, ये सब फ्रॉड है, ये अभी मैं अंदर ही जा रहा हूँ उनके पास। गाइस तो यहाँ पे ही फ्रॉड का लगा दिया भाई, क्योंकि पहले ऑलरेडी मैं होके आ चुका हूँ ना, मैं दोबारा जा रहा हूँ इसीलिए, क्योंकि मैं देखना चाह रहा हूँ कि ये लोग की हद के हैं। अच्छा इसमें लिखा हुआ जी 30 से 35 मिनट की 3 से 45 मिनट की कन्वर्सेशन होगी, उसके लिए आप एग्री कर रहे हैं? ओके जी भाई, हॉलीडे गिफ्ट इशू हो गया। ओके, तो आपको आप कभी आए थे? सर परसों आए थे, 2 दिन पहले आए थे मैं उनके पास आया था, तो आपका शायद ऑलरेडी इशू हो गया रहेगा। नहीं नहीं, वो पहले मेरी दूसरी फैमिली आई थी, अभी दोबारा इन्होंने कॉल किया, हमें 2 नंबर दिए थे हम लोगों ने, 2 अलग अलग नंबर दिए थे, मैं एक बार चेक करता हूं बैठिए से। अच्छा एक मिनट भाई आइएगा। अच्छा ये जो आप लोग पैकेज दे रहे हैं सिर्फ इंडियन पाकिस्तानियों को दे रहे हैं बस, ओमानियों को भी दे रहे हैं? ओमानी लेंगे नहीं, क्यों ओमानी क्या करेंगे सर अपना पैकेज? ऑब्वियसली वो लोग जाते हैं हमसे ज़्यादा ट्रैवल तो वो करते हैं, ये सब लोग तो गरीब लोग, लेकिन मोस्टली आप लोगों ने जिनको कॉल की है वो इंडियन पाकिस्तानी क्यों है? इंडियन पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, सीरियन, इजिप्शियन, श्रीलंकन, क्योंकि अभी ओमानी वगैरह तो अलमीरा में नहीं आते ना सर कूपन फिल करने के लिए। ये तो फेस्टिवल में तो सारे ओमानी थे ना, कौन से जिस फेस्टिवल से हमने लिया है। देखिए टू बी ऑनेस्ट आप लोग ये फ्रॉड कर रहे हैं क्या लोगों के साथ? ये सब आप लोग फ्रॉड कर रहे हैं लोगों को, यहाँ पे बुला के आता था घंटा पौना पौना घंटा उनके साथ बात करके। ओके, तो आप लोग मतलब उनसे बोलते हैं कि पैसे दें, मतलब आप लोग कुछ भी अमाउंट पकड़ के करना। ये पहले तो आप लोग ये बताएं आप लोग आए किधर से हैं और कौन सी आपकी ऐसी पॉलिसीज हैं जो आप लोग यहाँ पे सेल कर रहे हैं, और सिर्फ इंडियन पाकिस्तानी को बेवकूफ़ बना रहे हैं? बेवकूफ़ बनाने का ये मैं ये क्या बोल रहा हूँ, ये मैं बता रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ ना, अभी मैं सबको समझाऊंगा। व्हाई आई नीड टू शो यू सर, बट द थिंग इज कैसे भाई, ठीक है आप सर, ये आप लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं लोग, ये सब आप यहाँ पे जो पैसे पकड़ रहे हैं ये लोगों से बेवकूफ़ बना के कैसे मतलब? आप यहाँ पे ओमानियों को नहीं बुला रहे जिनकी कंट्री है, किधर है ओमानी? अरे सर सब आप मुझे एक एक बंदे का बताएं जिसमें आपने ओमानी को यहाँ पे कॉल करके बुलाया हो। अरे सर बहुत है, आप मुझे एक प्रूफ दे दें, आप मुझे एक प्रूफ दें हमने किसी ओमानी को यहाँ पे बुला के ये प्रेजेंटेशन दिए, तो मैं आपसे अभी 2000 रियाल का भी ले लूँगा। ओके बैठो, एक मिनट। नहीं नहीं मैं नहीं बैठूंगा, मैं यहाँ पे बैठने नहीं आया ना, गिफ्ट लेने आया, कुछ नहीं लेने आया, मैं सिर्फ आप लोग को चेक करने आया हूँ कि आप लोग कॉल करते हैं लोगों को, और कॉल करने के बाद आप बोलते हैं 45 मिनट्स निकाल के यहाँ पर आए गिफ्ट लेने के लिए, 45 मिनट्स चाहिए, मैं सबको सुनाऊंगा आज। गाइस ये सब फ्रॉड कर रहे हैं ये लोग, मैं बता रहा हूँ, मैं करूँगा, मैं करके दिखाऊंगा, कॉल सिक्योरिटी राइट नाउ। कंपनी में फ्री है, सारे दुनिया ने आपकी कंपनी के साथ वायदा कर लिया गया।
बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम हसन है जी। हसन भाई ऐसा है, ये इतना मेस क्रिएट क्यों कर रहे हैं? मैं मेस क्रिएट करूंगा क्योंकि मुझे इन सब का एहसास है। इसलिए कर रहे हो आप? मेरे भाई, इससे पहले मेरा भाई आया और अब मैं यहाँ पर आया हूँ, आप लोग कर क्या रहे हो? आपके भाई से हमने पैसे? आप मुझे बताओ, ओमानियों को क्यों नहीं बुला रहे हैं यहाँ पे? क्योंकि हमारे पास ओमानी लैंग्वेज वाले लोग। मैं बैठा हूँ, मुझे बुला, आप बुलाएं किसी को? आप फिर यहाँ पर आए क्यों हैं? आप जिस कंट्री में बैठे हैं, आप जिस कंट्री में आके यहाँ पे अपना पूरा सेटअप लेके आए, व्हाई यू डोंट हायर एनी ओमानी पीपल? ऑल ओनली इंडियन पाकिस्तानी पीपल। तो गाइज, जैसा कि आप लोगों ने देखा, मैं वहाँ पर गया और मेरे तो यकीन करें हाथ पांव कांप रहे थे। मुझे बहुत मतलब एक गुस्सा आ रहा था। मेरा गुस्सा सिर्फ इसलिए था कि जो बेचारे यहाँ पे मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, और आपको पता है परदेश में पैसे कमाना कितना मुश्किल है, तो ये लोग अगर किसी का एक रियाल भी अपने पास हराम ले रहे हैं, तो ये मुझे बहुत ही ज़्यादा मतलब अजीब लग रहा था। और मुझे लग रहा था जैसे मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे इनको इस चीज़ का एहसास दिलाना चाहिए कि ये लोग गलत कर रहे हैं। तो मैंने जो वहाँ पर पॉइंट उठाया, मेरा पॉइंट सिर्फ ये था क्योंकि मैं लास्ट टाइम भी वहाँ पर गया तो सिर्फ इंडियन और पाकिस्तानी लोग ही नज़र आ रहे थे, और इस बार भी मैं गया तो वहाँ पे इंडियन और पाकिस्तानी लोग ही वहाँ पे बैठे हुए थे। तो मैंने उन लोगों से बार बार एक ही सवाल किया कि भाई, अगर ये कोई ऐसा पैकेज आप लोग मुतारफ़ करवा रहे हो, तो आप लोग लोकल लोगों को क्यों नहीं बोल रहे, ओमानी लोगों को क्यों नहीं बोल रहे, सिर्फ आप लोग पाकिस्तान और इंडियन लोगों को क्यों बेवकूफ़ बना रहे हैं? क्योंकि इनको पता ये इजीली हो जाएगा, और खारजी लोग आपको पता है वहाँ जाके केस भी नहीं करते और इनके ऊपर कोई एक्शन भी होने वाला नहीं है। अगर यही काम ये लोग किसी यहाँ के लोकल ओमानी के साथ करेंगे, ऑब्वियसली इनके ऊपर कोई ना कोई केस हो सकता है। तो मैं तो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया था। बीच में मेरी फैमिली ने मुझे बोला कि ठीक है, आपने इतना कर दिया, बहुत है। मैंने तो जितने लोग वहाँ पे बैठे हुए थे सबके सामने ये बात बोली कि ये फ्रॉड है, कोई भी अपना एक रुपया भी ना निकालें। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। इस वीडियो का मकसद सिर्फ ये था कि ताकि आप लोगों के साथ कभी ऐसा कोई फ्रॉड ना हो, क्योंकि आपका जो पैसा आपकी जेब में है उस पर सिर्फ आपका हक है। जहाँ वो पैसा आपने किसी के हाथ में दे दिया, तो आप अपना ये हक खो बैठेंगे। तो अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आई है, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आप लोग के साथ भी ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, और साथ में जो घंटी का बटन है उसको लाजमी दबा दिया करें, क्योंकि अगर आप घंटी का बटन दबा देंगे तो नए आने वाली वीडियोज़ भी आप तक पहुँचती रहेंगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।